हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। हमें दिया हुआ है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए दिया हुआ है सेट, बी दिया हुआ है सेट, हमें वेरीफाई करना है। ये सेट डी मॉर्गन्स लॉ है, इसे हमें वेरीफाई करना है ना, कि दोनों साइड पे यानी इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम है, राइट हैंड साइड पे भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो सेम आएंगे कि नहीं, हमें ये चेक करना है, ठीक है ना। तो चलो फिर वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ध्यान से देखना, हमें दोनों साइड को साथ में लेके चलना है और हमें क्या क्या जरूरत है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है ए यूनियन बी की, तो हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी कितना है हमारा, क्या है ए और बी का यूनियन निकालना है। तो पहले टू के सारे पार्ट लिख लेते हैं, टू, और यहाँ पे देखा हमने कि टू कॉमन में एक बार लिखेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब हमें इसका ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, तो यू माइनस ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसे यू से हम निकाल देंगे, यानी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट निकाल देना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट निकाल देना है। तो वन और नाइन हमारे पास बचेगा, ये हो जाएगा वन और नाइन हमारे पास बचा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर वन हमारा एक पार्ट मिल गया, राइट हैंड साइड इसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मिल गया है। अब हमें राइट हैंड साइड को निकालना है, तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू निकालना है, यानी वन हमारे पास है, टू को निकालना है, मैच कर रहा है, थ्री नहीं है, यानी फोर भी हमारे पास नहीं है, इसके थ्री लेना है, फोर नहीं लेना है, जो जो नहीं लेना है उसे क्रॉस कर देते हैं, पहले सिक्स नहीं लेना है, एट भी नहीं लेना है, बचा क्या हमारे पास, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, टू फोर सिक्स और एट। अब हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी के अंदर यानी टू है, टू को हटा दो, थ्री भी है, थ्री को हटा दो, फाइव सेवन, जो बचा वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमारा बचा क्या, वन फोर सिक्स एट नाइन, वन फोर सिक्स एट नाइन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट ए और कॉम्प्लीमेंट बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी, हमारे पास बचेगा क्या, जो भी कॉमन है वही लिखना है। हमारे पास कॉमन क्या है, एक तो हमारे पास वन कॉमन है, वन लिख लिया, फोर कॉमन नहीं है, थ्री भी नहीं है, फाइव भी नहीं है, सिक्स भी नहीं है, सेवन भी नहीं है, नाइन भी, बाबा है कॉमन क्या, नाइन। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर राइट हैंड साइड, तो देखो ध्यान से, अगर हम देखें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास क्या आया है, वन कॉमन नाइन, और हमें क्या दिखाना है, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन क्या आया है, वन कॉमन नाइन, तो ये क्या सेम आए ना, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया दैट राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यही हमें वेरीफाई करना था कि दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे ये होता है, ठीक है ना। अब सेकेंड वाले पे चलते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम बचा के रखते हैं, क्या क्या है हमारे पास, चलो फिर से निकाल देंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करना है, ए
यूनियन इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। फटाफट हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इसमें कॉमन क्या क्या है, टू है बस, और कोई नहीं है, टू के अलावा और कोई नहीं है, हमारे पास क्या आया टू। अब इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यानी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको दो को छोड़ के जो भी यूनियन में है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, मिटाते हैं इससे पहले, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, ठीक है ना, टू को छोड़ के। तो हमारे पास बचा क्या, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए होगा, आप लोग जानते हो अभी निकाला गया था, यू में से ए के सारे टर्म्स हटा देंगे यानी इवन हटा देंगे, तो ऑड बचेगा, वन थ्री फाइव सिक्स, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ठीक है ना, इवन थे सारे हट गए। अब हमें निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस बी करना है, क्या क्या हटाना है, दो हटाना है यानी वन बचा, थ्री हटाना है यानी फोर बचा, फाइव भी हटाना है, सिक्स बचा, सेवन भी हटाना है, एट और नाइन, ध्यान से देख लेते हैं एक बार, यानी टू नहीं है, थ्री भी नहीं है, फाइव भी और सेवन भी, बचा क्या, वन वन फोर फाइव, वन फोर सिक्स एट नाइन, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी दोनों का यूनियन निकालना है, तो हमारे पास वन एक बार लिखेंगे, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, सिक्स आ गया, सेवन एट और नाइन। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो हमने देखा वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो यहाँ पे देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो क्या हो गया, ये प्रूफ दैट आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, यानी राइट हैंड साइड क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्या होता है वेरीफाई होता है कि ये बराबर है आपस में। तो अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ पे फिफ्थ देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके सामने, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम बनाने से पहले अगर आपको वेन डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप लोग पीछे लेक्चर में, ठीक है, इलेवेंथ क्लास के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल जाएगा, वहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा वेन डायग्राम, ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या चीज़ें, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट उसे हम रेक्टेंगल से क्या कहते हैं दिखाते हैं, और सेट को किससे दिखाएंगे, यानी सबसेट उसका किससे दिखाएंगे, सर्कल से दिखाएंगे, ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिखाना है वो क्या है, पहले का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखना, पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, हमें ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी ऐसे बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये यू है, ठीक है। अब पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट को भूल जाते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को भूलते हैं, हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप लोग को पता होगा, ए यूनियन बी क्या होता है,
ये होता है, यानी ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे, यानी ए के भी सारे एलिमेंट यहाँ पे होंगे एलिमेंट्स, ठीक है, और बी के भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट यानी ये पूरा घेरा आ गया, और बी के भी सारे एलिमेंट यानी ये पूरा का पूरा घेरा आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा कवर्ड हो गया। ये होगा हमारा ए यूनियन बी, यानी ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा, ये एरिया और ये एरिया पूरा, यानी जो भी गोला पार्ट है वो पूरा कंप्लीटली क्या होगा, फिल्ड होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, यानी अगर हमें ये ड्रॉ करना है, इसे क्या करना है, शेडेड करना है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट लग गया तो इसे शेडेड नहीं करना है, इसको छोड़ के बाकी के जो फिगर है उसमें हमें क्या करना, शेड करना है। तो क्या हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी, तो हमारा क्या होता, अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी, तो हमें शेड करना होता ये पार्ट, ये पार्ट शेड करना होता है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब इस पार्ट को छोड़ के जो बाकी के पार्ट है उसको हमें शेड करना है, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कौन सा पार्ट शेड करेंगे, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ठीक है, और दूसरा मैं मिटाऊंगा नहीं इसे, ध्यान से देखना, अगर आप इसे गौर से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में जो बोला गया है ये है क्या, ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में है क्या, यहां पे बोला गया है कि हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो डी मॉर्गन से हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वेन डायग्राम इसका होगा वही वेन डायग्राम क्या होगा, इसका होगा, और यही हमसे दोबारा से सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो दोबारा से यही फिगर बनेगा, ठीक है ना। तो बस बन जाया, यानी ये किसका किसका है, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड का आंसर हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी ये ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी ये पहला हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो दोनों के आंसर क्या है, सेम, ठीक है, नोट करिए। आगे चलते हैं थर्ड पे, थर्ड पे आते हैं। थर्ड बताने से पहले ध्यान से देखिए, ये भी वही है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे यूनियन लग जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन वही पूछा गया है, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ का जो फिगर होगा सेम होगा। तो चलो पहले बनाते हैं, ठीक है, एक सर्कल यहाँ लेते हैं, एक सर्कल यहाँ, ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया। अब पहले एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का हम बनाते हैं फिगर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे समझने के लिए। ए यूनियन बी यानी हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट तो ये वाला होता है, यानी हमें ये फिल करना है। अब आप बताइए, अगर मैंने यहाँ पे कॉमन कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉमन पार्ट था उसको छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, फिल करना होगा, बाकी सबको फिल करना होगा। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, यानी इस वाले पार्ट को छोड़ के सबको फिल करना है। ठीक है, इस वाले पार्ट को छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और साथ में ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, डायग्राम। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, तो आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।